औज़ु बिल्लाह मिन शैतान जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पहली बात तो ये है कि आज आप कल आपका जो है ना वो लास्ट पेपर होगा, तो इंशाल्लाह आप जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएंगे अगर आपने जो है वो पेपर अच्छे से किया और आपका रिज़ल्ट अच्छा आता है। अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता जिन बच्चों का, तो वो बेस्ट ऑफ लक उनके लिए नेक्स्ट टाइम के लिए। तो बेटा कोशिश तो यही करनी है कि आप लोगों ने जो है ना पेपर अच्छे से दिए भी होंगे और ये वाला पेपर भी आपने अच्छे से देना है। तो मुझे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। तो आपने जो है ऐसे नहीं समझना कि इसी वीडियो को ही आपने हतमी समझ लेना है, और आपने ना ही आपने ऐसा करना है कि इसको छोड़ देना है। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोगों ने जो है वो इस वीडियो को देखना है, और तमाम क्लासेस वाले स्पेशल प्लस जनरल सारे इसको देख लें, सभी के लिए फ़ायदा मंद होगी। ठीक है, तो जनरल वाले जो हैं वो कल मुझसे मिल भी सकते हैं, और मज़ीद अगर वो कुछ पूछना चाहेंगे तो कल जो है हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो अब जो है बेटा, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आप लोगों का टाइम भी बचाता हूँ अपना भी, और जो है ना इस वीडियो को देखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है वो ट्रांसलेशन आई है, तो ट्रांसलेशन में देखें सबसे पहले है वो रोज़ाना अखबार पढ़ता है। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये बनेगा ही रीड्स न्यूज़ पेपर डेली। ठीक है, ही रीड्स न्यूज़ पेपर डेली, तो वो कि रोज़ाना अखबार पढ़ता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या तुम कल बाज़ार गए, तो इसका बनेगा डिड यू गो टू मार्केट, डिड यू गो टू मार्केट येस्टरडे। ठीक है, तो ये इसका बनेगा, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आपने ज़रूर लगाना है। चले नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वो है वो नए जूते खरीदेगा, वो नए जूते खरीदेगा, तो इसका बनेगा ही विल बाय न्यू शूज, ही विल बाय न्यू शूज। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जो है इससे आगे चलते हैं, वो कहता है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब इसकी इंग्लिश आपने खुद बनानी है, ठीक है, या बता दूं? चलें, आप खुद बना के मुझे कमेंट में आप बताइएगा। दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, ठीक है, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, तो इसकी बनते आ फ्रेंड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। ठीक है, हकीकत में वही दोस्त है जो मुसीबत में काम आता है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। चले अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट है जी नीम हकीम खतरा जान। ठीक है, तो ये भी आपने जो है वो कमेंट में मुझे बतानी है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है जी, अब नेक्स्ट अगले पे हम चलते हैं, तो अगला हमारे पास है अंत भला सो भला, तो इसका चले मैं कर देता हूँ, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ठीक हो गया जी। उसके बाद है नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ठीक है, तब इसको हम जो ट्रांसलेट करेंगे तो ये बनेगा बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, सेल्डम बाइट। ठीक है, अच्छा सेल्डम। अब जो है ये तो थी हमारी ट्रांसलेशन, आपने ये ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से देख लेनी है, सभी ने देखनी है, तमाम क्लास वालों ने। ठीक है, तो अब ऐसा हो सकता है ये आ जाए, और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये ना आए, वो फिर आपका नसीब होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं,
तो पैसे वाइज में आपने चेंज करना है जी, चेंज इन टू पैसे वाइज का जो है वो भी आपके उसमें है, डायरी में दिया हुआ है, आपके सिलेबस में है। तो जो मुझे पैसे वाइज के फेमस लगे हैं या जो आपके लेवल के अच्छे लगे हैं वो मैंने यहाँ पे जो है ना लिख दिए हैं, उनको आप देख लेते हैं। ही राइट्स अ लेटर, अब इसको आप कैसे पैसे वाइज में चेंज करेंगे, अ लेटर इज, अ लेटर इज रिटन बाई हिम, अ लेटर इज रिटन बाई हिम, ठीक हो गया जी। अच्छा अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास यू ड्रिंक वाटर, ठीक है यू ड्रिंक वाटर, तो इसका बनेगा वाटर, वाटर इज ड्रंक बाई यू, वाटर इज ड्रंक बाई यू, ठीक हो गया जी। अच्छा नेक्स्ट की तरफ अब हम चलते हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है आई बॉट अ न्यू कार, आई बॉट अ न्यू कार, ठीक है तो इसका बनेगा अ न्यू कार वाज, बॉट बाय मी, अ न्यू कार वाज बॉट बाय मी, ठीक हो गया जी। अच्छा अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, हमारे पास अगला सेंटेंस है शी रीड्स द न्यूज़पेपर, शी रीड्स द न्यूज़पेपर, ठीक है तो अब इसको जो ट्रांसलेट करेंगे बनेगा द न्यूज़ पेपर इज रेड बाई हर, द न्यूज़पेपर इज रेड बाई हर, ठीक हो गया जी। अच्छा अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास वी शैल नॉट बाई अ कार, वी शैल नॉट बाई अ कार, तो जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये बनेगा अ कार विल नॉट बी बॉट बाय अस, अ कार विल नॉट बी बॉट बाय अस, ठीक हो गया जी। अच्छा अगला है हमारे पास हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर, तो इसका बनेगा बाय होम बाय होम द डोर इज, the door is being, ठीक है knocked by the home, the door is being knocked, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगला है हमारे पास he plucked a flower, ठीक है क्या है he plucked a flower, तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये बनेगा अ फ्लावर, फ्लावर वाज प्लक्ड बाय हर, अ फ्लावर वाज प्लक्ड बाय हर। अच्छा अब नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं, तो जो लास्ट है हमारे पास वो है ओपन द डोर, ठीक है इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इसको क्या करेंगे आप कैसे बनाएंगे, लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन, ठीक हो गया जी। तो ये तो था आपका पैसे वाइज, इसको आपने क्या करना है पैसे वाइज में चेंज कर देना है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट है आपके पास सेंटेंसेस, ठीक है आपको पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए होंगे, आपने जो है इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे हमारे पास है एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ठीक है आई एक्सेप्ट हिज, आई एक्सेप्ट ऑल हिज ऑफर, ठीक है
तो अब मैं जो है इसके बनाऊंगा नहीं, क्योंकि ये वीडियो जो है ना बहुत लंबी हो जाएगी, पहले ये 10 मिनट पे पहुंच चुकी है। तो आपने जो है ना इनके खुद बनाने में, इनके मीनिंग आपको बता देता हूँ जो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल कर लेना, इसका मतलब होता है इलावा, आंट, ठीक है, AUNT, आंट। एक आंट का मतलब चींटी और एक का है आंटी। तो नेक्स्ट है ब्रेक, तोड़ना, ब्रेक वक्फा लेना, ठीक है, ब्रेक तोड़ना, ब्रेक वक्फा लेना। सेल बेचना, सेल जो है ये आप उसको भी, जेल को भी कह सकते हो, ठीक है। फेयर, ठीक है, अच्छा मुनसिफ, फेयर किराया। मीट, गोश्त, मीट मिलना। बर्थ, पैदाइश, बर्थ ये जो रेलगाड़ी की सीट होती है, ठीक है जी, उसको बोलते हैं। अच्छा, अब टाइम होता तो मैं इनके सेंटेंस भी बना देता। चलो ये आपने जो है ना खुद बना लेने हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं एडजेक्टिव। तो आपने जो है ना इनके एडजेक्टिव लिखने हैं। बोल्ड, अब बोल्ड का क्या बनेगा, बोल्डर। उसके बाद बनेगा तीसरा, इसका बनेगा बोल्डेस्ट, ठीक है, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, डीप, डीप है तो डीप का बनेगा डीपर। और अगला इसका बनेगा डीपेस्ट। डीपेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है लार्ज, तो लार्ज का बनेगा लार्जर, ठीक है। और अगला इसका बनेगा लार्जेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल, तो इसका बनेगा जी सिंपलर। और अगला इसका बनेगा सिंपलेस्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट है बिगर, बिगर, और इसका बनेगा बिगेस्ट, ठीक है। अगला है ओल्ड, ओल्ड का कंपैरेटिव बनेगा ओल्डर, और सुपरलेटिव बनेगा इसका ओल्डेस्ट। चलें, तो ये तो हो गए आपके एडजेक्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो आपने जो है ना प्रेपोजिशन, करेक्ट प्रेपोजिशन यहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पे आएगी ही केम एट, ही केम एट 4 o'clock, ठीक है। नेक्स्ट पे आएगा द स्नेक वाज किल्ड, तो यहाँ पे आएगा बाई, द स्नेक वाज किल्ड बाई हिम, ठीक है। ही वाज एंग्री विद मी, ही वाज एंग्री विद मी, ठीक है। नेक्स्ट है दिस बुक बिलोंग्स टू मी, तो यहाँ पे क्या आएगा टू। अच्छा, अगले की तरफ चलते हैं। अगला है लर्न टू लाफ एट, लाफ के बाद आपको पता होना चाहिए प्रेपोजिशन जो है वो एट आती है, ठीक हो गया। तो ये थी आपकी प्रेपोजिशन, द यूज़ ऑफ करेक्ट प्रेपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है क्या लगानी है, करेक्ट प्रेपोजिशन लगा देनी है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो हमारे पास हैं जी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। तो ब्रेक, इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी ब्रोक, ठीक है, और थर्ड फॉर्म इसकी बनती है ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक हो गया। उसके बाद है डू, डू की बनेगी सेकंड फॉर्म डिड, और थर्ड फॉर्म है इसकी डन, ठीक है। उसके बाद है गिव, गिव की सेकंड फॉर्म बनेगी गेव, इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी गिवन, ठीक है। ड्रा, ड्रा की सेकंड फॉर्म बनेगी ड्र्यू, और इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी ड्रॉन। अच्छा, नेक्स्ट है ड्रिंक, सेकंड फॉर्म इसकी बनेगी ड्रैंक, थर्ड फॉर्म इसकी बनेगी ड्रंक। अरे जी, ये तो थी आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है।
नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड्स एंटोनिम्स, ठीक है। वर्ड्स आपने जो हमारे वर्ड्स दिए हैं आपने क्या लिखने हैं, इनके एंटोनिम्स लिखने हैं। अटैक तो इसका क्या बनेगा, डिफेंड, डिफेंस, ठीक है। लव, वीप, ठीक है। इसका डिफेंस भी बन सकता है, डिफेंड दोनों आ सकते हैं, ठीक है, दोनों ठीक है। अच्छा उसके बाद है बाई, तो इसका बनेगा सेल। बारो, इसका बनेगा लैंड, ठीक है। क्लोज, इसका बनेगा ओपन, ठीक है। एक्सेप्ट का बनेगा रिजेक्ट या डिक्लाइन, जो भी आप करना चाहें। डिक्रीज, इसका बनेगा इंक्रीज, ठीक है जी। सर लाइफ, इसका डेथ। फेल, इसका पास, ठीक है। हेवन, तो इसका बनेगा हेल्प। नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। आपने जो एप्लीकेशन जो इम्पॉर्टेंट है ना वो है राइट एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, ये आपने जो है अच्छे तरीके से याद करनी है। उसके बाद आप आ जाओ लेटर, तो लेटर राइट लेटर टू योर फादर अबाउट द हेल्थ ऑफ मदर। तो इसके अलावा बेटा जो हैं जनरल वाले, आपको मेरी बात जो है ना उसको तवज्जो से सुना है, ठीक है। तो एक तो अभी ये मैं स्पेशल और जनरल दोनों को बता रहा हूँ। एम ऑफ लाइफ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ रोड एक्सीडेंट, ठीक हो गया। उसके बाद है जी रोड एक्सीडेंट के बाद आप कर लो क्या आएगा, कश्मीर इशू। ये जनरल जनरल वालों को मैं बता रहा हूँ, कश्मीर इशू, ठीक है। उसके बाद जंक फूड, बस इतने आप कर लें आपका हो जाएगा, ठीक है जी बेटा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो आपने जो है इसको अच्छे से तैयारी करनी है, यहाँ से जो कुछ मैंने बताया है, और आपने बाकी जो है ना उधर से भी तैयारी करनी है। जनरल वालों के लिए मैं कोई स्पेशल वीडियो नहीं बना सका, तो कल आप लोग जो है ना वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा बच्चों आप सबको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो हमें याद रखिएगा आप सबका अल्लाह हाफिज, और हम यो नासिर हो, ठीक है, अल्लाह हाफिज।